तो दोस्तों मैं पहुंचा हुआ हूं स्टार राज गोट फार्म जो पुष्कर राजस्थान के अंदर है। यहां पे आप देख सकते हैं लगभग 50 बकरी होगी और इसके बारे में आज के वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि कैसे ये तैयार करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं काफी शानदार क्वालिटी का ब्रीडर जो काफी कम देखने मिलता है। इस तरह का ब्रीडर लगभग मैं समझता हूँ 80 kg वेट होगा इसका लगभग अंदाजन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे भी हैं बड़े भी हैं। तो पूरी डिटेल्स के साथ इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहेंगे कि कैसे ये बकरी पालन करते हैं और आप अगर खरीदना चाहते हैं तो इनसे कैसे संपर्क कर खरीद सकते हैं। तो आइए यहाँ के ऑनर से मिलवाता हूँ। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भाई हमारे चैनल में स्वागत है, कैसे हो आप? बस बढ़िया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू भाई है। पूरा एड्रेस? राजस्थान पुष्कर, पुष्कर के 3 किलोमीटर दूर पड़ता है डोंगरिया। डोंगरिया खुद गाँव के हो आप? कब से कर रहे हो ये बिजनेस? ये 1 साल हो गया मेरे को रेगुलरली कर। ओके, पालते भी हो बेचते भी हो? पालते भी हम और बेचते भी। हमारा पालने का तरीका क्या है भाई? पालने का तरीका ये है की पूरी स्वस्थ से पालते हैं और क्या क्या देते हैं हरी पत्ती वगैरह सब पूरी व्यवस्था से हम पालते हैं। ओके, सुबह में कितने बजे खोलते हैं इनको चरने के लिए? हम सुबह से इनको खोलते हैं 8-9 बजे से खोलते हैं, जैसे धूप पड़ती है ना तब खोलते हैं। पूरा दिन बाहर? पूरा दिन बाहर जंगल के अंदर जाती है, हमारे पास में ही है डूंगर वगैरह। अच्छा, वहाँ पे जाती है और आराम से बढ़िया चर के आती है। और फिर शाम को दाना वाना क्या देना पड़ता है? हम इनको बढ़िया पानी वानी पिलाते हैं और जो भी हमारा रहता है मूंगफली की पत्ती होती है हरी पत्ती होती है वो हम देते हैं। ओके, यानी कि खिला पिला कर पाल कर रखते हो? बिल्कुल बिल्कुल। वेट बढ़ाने का तरीका क्या है? वेट बनाने का तरीका ऐसे है जैसे हमें हमारी बकरियों का जो ये बकरी रहती है उनको भूखा नहीं रखना है, बिल्कुल प्रॉपर खाना देना है, प्रॉपर पौष्टिक जो भी आहार हमें जो भी मिलता है मंडी से वगैरह वो जो बाटा वगैरह वो भी खिलाते हैं हम। और कितना देना है ये इसके अंदर जो कुट्टी आती है उसके अंदर नॉर्मल जितना वेट खा सकती है उतना ही देते हैं हम। अच्छा, और दाना वगैरह? दाना वगैरह के अंदर हम इसके अंदर जो खिलाते हैं दलिया आता है वो भी खिलाते हैं। अगर कोई बंदा बकरी का बच्चा खरीदना चाहता है तो कैसे केजी देंगे? हम इसको वेट के हिसाब से देंगे। बकरी का बच्चा 250 रुपए पर केजी है। मेल लेते हैं तो 250 रुपए और फीमेल लेते हैं? फीमेल लेते हैं तो 230। और अगर प्रेग्नेंट बकरी लेते हैं? प्रेग्नेंट लेते हैं तो हम 230 रुपए लगा देंगे। 230 रुपए लगा देंगे। ये बकरी का कितने दिन का प्रेग्नेंट होगी ये बकरी? ये बकरी अभी 2-3 महीने की प्रेग्नेंट है। 3 महीने की प्रेग्नेंट है। 2 महीने बाद बच्चा दे देगी? हाँ बिल्कुल, यानी कि 5 महीने में बच्चा दे देगी। दूसरे बार ये कितने दिन में प्रेग्नेंट होती है? ये दूसरे दिन एक 2 महीना छोड़ती है और प्रेग्नेंट 2 महीने के बाद फिर से ये प्रेग्नेंट हो जाएगी। ओके, इसका वेट कितना होगा? इसका वेट होगा लमसम, इसका वेट कितना होगा? इसका वेट लमसम 40 से 45 kg। 40 से 45 kg। कितने बार बच्चा दे चुकी है ये बकरी? ये अभी 3 बार बच्चा दे चुकी है, चौथी बार। ठंडी में काफी दिक्कत होता है सर्दी का, नाक से पानी आना, इसके लिए क्या करते हैं आप लोग? हम इसके लिए बढ़िया पूरी व्यवस्था से रखते हैं, चद्दर अद्दर लगा रखे हैं पूरी, और वैक्सीन वगैरह भी देते हैं हम पूरी, मेडिसिन वगैरह, मेडिसिन वगैरह भी देते हैं बीमार होती है, बीमार तो होती है। ओके, इसका पैर उठाकर दिखाएंगे सर, अगर ये बच्चा देगी तो कितना दूध देगी? ये देखो इनका थन। ओके, अभी तो थन बाहर नहीं आ रहा है, बाहर नहीं आ रहा, अगले महीने के बाद से आएगा। लगभग 4 महीने की प्रेग्नेंट कम्प्लीट हो जाता है तो बाहर आता है। ओके, दांत कितनी होगी सर इस बकरी का? 4 से 6 दांत। कितनी दांत है इसके? अभी 8 दांत है। 8 दांत की बकरी है इसकी। ये वेट लगभग 40 kg होगा तो कितने का हो जाएगा ये? ये 40 kg हो जाएगा लमसम, मान के चलो 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार रुपये। ओके, तो दोस्तों सुना आपने, लगभग सारी चीज़ बताई है सर ने और इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है वीडियो में, अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रीडर सर, ये सेल आउट करेंगे आप? हाँ, बेचेंगे? बिल्कुल सेल आउट। कितने का बेचोगे? 300 रुपये पर केजी जाता है। 300 रुपये पर केजी जाएगा? अच्छा, इसका दांत दिखाओगे? ये भी क्या गुस्से में हो जाएगा, इसलिए मारता भी आपको? हाँ मारता है ये। छोड़ना, आप थोड़ा खेलो इसके साथ, खेलो। तो एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको, यहाँ पे इनका जो पेशाब का रास्ता है उसको बांध कर रख दिया जाता है ताकि कोई भी बकरी को क्रॉस ना करते रहे, यानी परेशान ना करे। सर बांधने के बाद इनको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। पेशाब आ जाता है? ना बिल्कुल आ जाता है। तो दोस्तों लगभग सारी चीज़ जान लियो आप, और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। छोड़ दो।